मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये कुर्ती मेरे को अच्छी लगती है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं मैक्सिमम, आप लोगों ने देखा होगा, मैं ये कुर्ती डालती हूँ। ये मुझे अच्छी लगती है, इसका प्रिंट वगैरह देखो सब अच्छा लगता है मुझे। तो इसको मैं पीच के साथ भी पहन लेती हूँ, ब्लैक के साथ भी पहन लेती हूँ, रेड के साथ भी पहन लेती हूँ, ब्लू के साथ भी पहन लेती हूँ। तो सभी प्लाजो के साथ आराम से जाती है। सो अभी बज चुके 10:30 का टाइम और हम जा रहे हैं लोकल मार्केट, मतलब नियर बाय मार्केट में, घर के जो पास मार्केट है वहाँ पे मार्केट के शॉप्स हैं, वहाँ पे कुछ काम है हमें। और सबसे पहला काम तो जो है वो ड्रिल मशीन लेकर के आनी है, प्लस जो बाहर हमारा कॉरिडोर का गेट है वो नीचे से टूट चुका है, उस पर जिस पे वो चलता है ना रोलर पे, वो टूट चुका है, तो उसको भी सही कराना है किसी कारपेंटर को ला करके। और ये जो कॉर्नर रखा हुआ है इसके ऊपर, इसको भी यहाँ पे सेट करना है। और मुझे एक लेना है, क्या बोलते हैं उसको, रैक लेना है मल्टीपर्पज़ के लिए, जो कि मुझे किचन में सेट करना है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे किचन में कॉर्नर में एक छोटी सी अलमारी रखी रहती है 3 खाने की, वो हटानी है वहाँ से। और वहाँ पे शिफ्ट करूँगी मैं अपना OTG और सैंडविच मेकर और बाकी चीज़ों के लिए मुझे लाना है एक रैक, जो कि मुझे वॉल पे फिट करना है किचन के। मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट कहाँ पे। तो बहुत सारा काम है, बच्चों के भी कपड़े अभी रह गए हैं कुछ, तो कुछ लेने हैं। शूज़ वगैरह तो मैं ले आई थी उस दिन, कपड़े अभी रह गए हैं बच्चों के, और कुछ कपड़े हैं जो कि पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े लेकर के आने हैं अभी के अभी। एंड क्योंकि जितनी जल्दी त्यौहार से पहले ले आओ ना चीज़ें वो सही रहती है। बिल्कुल त्यौहार पर जाओगे ना, एक तो भीड़ इतनी है, फिर कोरोना चल रहा है और स्पेस नहीं मिलता है, तो इसलिए भाई जितना जल्दी हो सकता है अभी अभी शॉपिंग कर लो, जिसको भी करनी है। ये मत सोचो कि बस फेस्टिवल के 2 दिन पहले करेंगे, ये गलत होगा। एंड ये आज घर पे हैं क्योंकि इन्होंने छुट्टी की है, छुट्टी ये कल ही करने वाले थे बट छुट्टी इन्होंने आज की है, क्योंकि कल इनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और इन्होंने आज छुट्टी की है। और हो सकता है कि संडे को काम हो जाता है, बट संडे को यार कितना काम देखोगे, फिर बंदे को रेस्ट भी करना होता है। और कुछ ऐसे इनके खुद के भी आज काम है जो कि संडे वाले दिन नहीं हो सकते हैं, वो ऑफिस वगैरह बंद होते हैं, तो फिर आज इनको कुछ अपना पर्सनल काम भी है, तो इन्होंने छुट्टी ही क्लियर कर ली है आज। तो चलते हैं फटाफट, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा रैक लाना है और मुझे कहाँ पे सेट करना है। किचन में सो रखा है, देखना ध्यान मत देना आप लोग। तो जो यहाँ पे देख रहे ना ये वाली अलमारी, ये वाली सॉरी, हाँ इसको हटा करके, सॉरी यहाँ पे हटा करके इसको, और मुझे एक रैक लाना है यहाँ के लिए, इस वाली वॉल के लिए, यहाँ के लिए एक रैक लेकर के आऊँगी, जो कि ये भी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये हट यहाँ पर लग जाए। और यहाँ पे मुझे अटैच करना है जो OTG का या माइक्रोवेव अवन का जो स्टैंड आता है ना, वो ले लिया है मैंने, बस यहाँ पे ड्रिल करके लगाना है, तो यहाँ साइड में फिक्स हो जाएगा मेरा OTG। काम बहुत है, टाइम कम है, तो फटाफट चलिए चलते हैं मार्केट। तो मार्केट से आ चुके हैं और बच्चे खा रहे पेस्ट्री, क्योंकि मैं लेकर के आई थी इन लोगों के लिए, इनके ही डिमांड पे पेस्ट्री, तो बस इनको पेस्ट्री इंजॉय करने देते हैं। तो अभी बज रहे शाम के 6:30 और हम लोग अभी जस्ट आके घर बैठे हुए हैं। हमारा 2 चक्कर लग चुका है, मैं बीच में भी घर आ चुकी थी, फिर दोबारा से गए हैं, और देखो ये मास्क के वजह से पूरा मुंह हनुमान बन चुका है। बोलो कैसा लग रहा है पैसे खर्च करके? कह रहे, पूछ रहे, बकरे से पूछा हलाल होने बाद कैसा लग रहा है। पेस्ट्री खा लो आप लोग भी, बच्चे तो खा ही रहे हैं, आप लोग भी खा लो, देखो कितने तेज है। इनसे बोला आपकी पेस्ट्री लेनी है, कह रहे नहीं लेनी मुझे, मैंने लिया तो बस, कहेंगे मेरे में से तुम्हारा, तुम खाओ ना। अंगिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है, ये तो कभी समझे नहीं, इन्होंने तो कभी समझा ही नहीं है। मिठास तो डबल हो गई है। ना मेरा पूरा हनुमान बन रहा हूँ, रेड रेड लिपस्टिक फैल गई है ना मुँह से, बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है आज, डबल डबल ना खाओ खाओ, बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है। 2 बार आ चुके, 2 बार जा चुके हैं, और फेस पे तो इतने लंबे लंबे यहाँ पे बाल आ गए हैं, मूछें बन गई हैं पूरी, ट्रिमर ट्रिमर से ट्रिम करना पड़ेगा लग रहा है। और ये ऑफिस जाना ना जाना बराबर हुआ, पूरे दिन घर पे फोन आता रहा है, ये मेल डालो वो मेल डालो, माई गॉड। मैंने कहा यार तुमने छुट्टी क्यों की? और मेरे कहने पे मैंने तो ये कहा था कि एक दिन रेस्ट कर लिया करो, रेस्ट था आज का? कोई कोई रेस्ट था? इससे अच्छा ऑफिस चले जाते। देखिए अभी तो क्या बनता है डिनर में, पता नहीं, कंफर्म नहीं है अभी तो, कड़ी सोच रही हूँ बट मुझे लग नहीं रहा आसार कड़ी के, लस्सी, प्लानिंग चेंज होती रहती है बनाने का, पहले तो हम पेस्ट्री। तो थोड़ा सा समय मिला, डिनर बन रहा है,
तो मैंने सोचा चलो मैं कड़ी चावल तो बना नहीं रही, अब मैं बना रही हूँ उड़े चने की दाल, तो रख के आई हूँ बनने के लिए। तब तक मैंने सोचा आप लोगों को सामान भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर ये सामान इधर उधर रख दूंगी तो फिर उठा उठा के और नहीं दिखाना होता है। तो भी चीज़ें ये है ना, इससे ये मेरे किचन का लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मेरा किचन पूरा ही चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, आप लोग जरूर देखना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मुझे लानी है, वो मैं कल लेकर के आऊँगी, कल ही सारी चीज़ों को इंस्टॉल भी करवाऊंगी, क्योंकि कल है संडे एंड कल के दिन में सारे काम होने हैं, क्योंकि इनको एक ही दिन मिलता है और यही हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने में। ड्रिल मशीन मुझसे तो चलेगी नहीं, तो कल ही इंस्टॉल भी होगा और मेरा किचन होने वाला है बिल्कुल चेंज। आप लोग जरूर देखना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मैं रैक लेकर के आने वाली हूँ, ये उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है, ओ माय गॉड हैवी है। तो ये है OTG के लिए स्टैंड, मैं लेकर के आई नहीं थी, मैंने कहा था मैं ले आई हूँ बट मैं लेके नहीं आई थी, मैंने देख लिया था शॉप पे, बस मुझे उठा के लाना था। तो मैं कंपेयर करती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये रिजनेबल रेट पे है तो वो चीज़ मैं उठा लाती हूँ। तो ये मुझे रिजनेबल लगा था ऑनलाइन से ज़्यादा, तो फिर ये मैं लेकर के आई। कितने 500 का पड़ा है ना, मैं 500 का, हाँ ये मैं 500 का पड़ा है। और ये इस तरीके से लगेगा, ये वाइट कलर के हैं स्टैंड, काफ़ी हैवी हैं, तो किसी हैवी चीज़ को रखने के लिए ही होते हैं ये, तो हैवी तो होंगे ही। और जब ये लगेगा ना तो किस तरीके का दिखेगा, ये देखिए इस पर कैसा है। बाकी जब उसको लगाएंगे हम कल तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं, रात में तो लगाएंगे नहीं। एंड एक ये मुझे मिल गया पतीला, और एक ये लाई थी मैं पतीला, पतीला नहीं मतलब चायदान है, काफ़ी हैवी वेस का है ये, मुझे 400 का पड़ा है। और ठीक है बट अच्छा खासा हैवी है, मतलब अच्छा था, मेरे पास था नहीं था, बट वो पता क्या था, वो उसका ना हैंडल इतना हैवी है कि वो लुढ़क जाता है, तो मैंने कहा चलो यार एक चाहिए था तो अच्छा था, ये ले आई मैं। और एक लाए हम ये जग, सर जी को जग चाहिए था कि भाई हमेशा से चाहिए था, कहते थे मुझे ना जग चाहिए पानी पीने के लिए, तो ला नहीं पाते थे, तो आज हम बर्तन की शॉप पे चले गए तो ले आए। तो मैं आपको तो प्रेफर करूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी बर्तन एल्यूमिनियम का है उसको बिल्कुल ना यूज करें, हटा ही दें हो सके तो। मैं भी स्टार्ट कर दिया ये हटाना, और जब भी मैं स्टील का ये लाई हूँ, मैंने जितनी भी मेरे पास सिल्वर के वैसे ज़्यादा है, बस कुकर मेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन खाना तो हमारा कुकर में ही बनता है, जाहिर सी बात है। तो मैं बात करके आ गई हूँ मैं एक्सचेंज करने की, पर दिवाली पे नहीं, बहुत खर्चे हो चुके हैं, तो दिवाली के बाद मैं 2900 का कुकर देख करके आई हूँ मैं, बहुत अच्छा है। मतलब वो जो आता है ना विदाउट हैंडल वाला, जो मल्टीपर्पज होता है, आप पतीले की तरह भी यूज़ कर सकते हो, सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वही वाला मैं लेकर के आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा है। तो उसमें कैपेसिटी 3 लीटर की है, तो मैं वही वाला कुकर लेकर के आऊँगी, और एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करने बिल्कुल ही स्टॉप करूँगी मैं। और एक लाइट जो मैं है ये ऑयल की बॉटल, ये वाली मेरे पास ऑयल की बॉटल 2 थी पहले, ये वाली ये अच्छी थी, मैंने ये मंगाया था अमेजन से, बट ये चूड़ी वाली थी, इसके ऊपर ऐसे बना हुआ था, उसको खोल करके वो कांच फाइबर था, वो उसको खुबारा खोलने की वजह से ना वो खराब हो गया, और बिना खोले तो इसमें तेल डाल नहीं सकते, तो 2 थे मेरे पास, दोनों ही खराब हो गए, तो मुझे नहीं लगा ये ठीक था, 1 साल ही मुश्किल से चल पाया था, खराब हो गए दोनों। तो अभी मैं इनको किसी न किसी तरीके से यूज करती हूँ, अभी तो मैंने इसमें फ्लावर्स डाल करके फ्लावर पॉट बना रखा है इसको। और इसके बाद मैं ये लाई हूँ, ये इसलिए सही है क्योंकि ये इसके ऊपर नोब बनी हुई है, इसकी नोब, और इसको आराम से यहाँ से खोलो और इसमें तेल डाल लो, ठीक है। दूसरी वाली भी इसी तरीके की थी, तो वो भी ऐसी पड़ी थी, मुझे 700 के आसपास पड़ी थी 2। ये था कवर, शू रैक है ना मेरा, उसका कवर फट गया था, उसके साथ कवर आता है ना शू रैक के साथ, तो वो कवर फट गया था, तो फिर मैं ये नया कवर लेकर के आई हूँ, आराम से आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद ये लाई थी मैं, जिस चीज के लिए मैं मेन गई थी, इसने हमारे 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करवा दिया है ना तो ये रैक मिला मुझे, मेरे पसंद का मिल गया है। मैं चाहती थी कि ज्यादा चौड़ा भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो, जो सामान मेरे किचन में कोने में रखा है ना वो सारे इस पे आ जाए, तो डेफिनेटली आ जाएगा इस पे, और काफी ठीक है। एक वो था ना इतना चौड़ा चौड़ा, तो वो नहीं चाहिए था मुझे, बिल्कुल पतला है। अगर आपको इसके अंदर 2 गिलास एक साथ रखोगे ना इसे खड़े करके, तो आराम से आ जाएगा, और ठीक है। मतलब कि समझ लो कि ये जग, इसके जग की देखो ये वाइट कितनी है, ये आराम से आ जा रहा है। और मैंने लिए खुश के लिए कपड़े, कपड़े इसके शेरवानी रखी हुई है, तो उसके बाद ये है शेरवानी, इसने एक ही बार पहनी थी, तो मैं कहा चलो यार दिवाली पे पहन लेगा, क्योंकि इसने एक ही बार पहनी है शेरवानी, तो अच्छी शेरवानी है वो इसकी। और इसके लिए मैंने पैंट ली है, ये वाली शर्ट ली है खुश के लिए, और कुहू के अभी कपड़े बाकी हैं, लेकिन कुहू के लिए शूज आ चुके हैं,
कैसे लगी शूज आपके? अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे। ये है कुहू के शूज एंड ये है कुहू के दूसरे वाले शूज। मैंने दो शूज लिए इसके लिए, इसको दोनों ही बहुत अच्छे लगे, तो बस ये लिए थे मैंने। अभी डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर खाएंगे हम लोग। नौजवान हो चुके हैं और हम लोग 8 बजे ही आके रुके थे। बस मैंने चेंज वेंज किया, थक गए काफी ज्यादा क्योंकि डबल डबल चक्कर लग चुका है। और अभी तो आधा सामान आपको दिखाया ही नहीं क्योंकि जो मेरी शॉपिंग थी मैंने वो भी नहीं दिखाई आप लोगों को। लाजपत नगर वाली शॉपिंग में ही मेरी शॉपिंग थी, इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने टेलर के पास सूट डाल दिया था और जो प्लाजो लेकर आए थे वो भी उसकी लेंथ बहुत लंबी थी, तो मैंने टेलर को बोला कि प्लीज आप इसकी लेंथ कम करो, तो उसको भी दे रखा है करने के लिए। प्लस ब्लाउज सिलने को दे रखा है, काफी सारा है। साड़ी भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं साड़ी में परचेस करके नहीं आई थी, मैं साड़ी डिजाइन करवा रही हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये था आज का ब्लॉग गाइस, कैसा लगा आप लोग ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। बाय बाय।